21.3 वैश्वीकरण विगत दो तीन दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हो रही है विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है अधिक से अधिक वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है भारत में बढ़ते विदेशी व्यापार से संबंधित आयात एवं निर्यात के आंकड़े रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं उन्नीस सौ नब्बे और 2014 15 के बीच विदेशी व्यापार कई गुना बढ़ गया है भारत ने वर्ष उन्नीस सौ नब्बे में कुल तैंतीस करोड़ रुपए की सामग्री का निर्यात किया वर्ष 2014 15 में यह राशि बढ़कर उन्नीस लाख पैंतीस करोड़ रुपए हो गई अभी हमने वस्तुओं के आयात निर्यात के आंकड़े देखे सेवाओं के आयात निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई सेवाओं के निर्यात में भारत शीर्ष देशों में एक है सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से कहीं ज्यादा है इस दौरान भारत में विदेशी निवेश भी कई गुना बढ़ा है